राग तोड़ी। राग तोड़ी की उत्पत्ति तोड़ी थाट से ही हुई है, अतः इस राग को तोड़ी थाट का आश्रय राग कहा जाता है। इस राग में ऋषभ, गंधार और धैवत यानी रे, ग और ध कोमल तथा मध्यम यानी म तीव्र प्रयोग किए जाते हैं। इस राग में पंचम यानी पा का वक्र प्रयोग किया जाता है। इस राग के आरोह और अवरोह में सात सात स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर धैवत यानी धा है और संवादी स्वर गंधार यानी ग है। इस राग का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग तोड़ी की आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। सारे ग और अब सुनिए अवरोह। सा नी धा प म ग रे सा। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। ध नि सा रे ग रे सा म ग रे ग रे अब प्रस्तुत है राग तोड़ी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग तोड़ी की स्वर मालिका की स्थाई। म म ध प म ग ग म द म ग ग म रे ग रे सा म म ध प म ग ग म द म ग ग म रे ग रे सा रे ग ग म ध नि ध प म प ध प म ग रे ग रे सा रे ग ग म ध नि ध प म प ध प म ग
रे ग रे सा मा मा धा पा मा गा गा मा धा मा गा गा मा रे ग रे सा मा मा धा पा मा गा गा मा धा मा गा गा मा रे ग रे सा। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। मा मा ग मा ध ध नी सा रे रे सा मा मा ग मा ध ध नी सा रे रे सा नी ध ध नी ध प म प ध मा ग ग मा रे रे सा नी ध ध नी ध प म प ध म ग ग म रे ग रे सा म म ध प म ग ग म ध म ग ग म रे ग रे सा म म ध प म ग ग म ध म ग ग म रे ग रे सा। अभी आपने राग तोड़ी की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं यह किसने नदिया को बहाया। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। अभी आपने राग तोड़ी की स्वर मालिका सुनी, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बर से रस बरसे
गा रे